अगर दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब सौर्य को छुड़ाने के लिए यहाँ से पहुँच जाते हैं जो कि आप लोग जानते हैं करण और साथ में निधि। लेकिन दोस्तों वहीं अपने बेटे के पास में जो आने जा रही हैं प्रीता, और प्रीता आकर थाने में मौजूद होती हैं। लेकिन दोस्तों उससे ही पहले आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लगातार धमकी देता हुआ नज़र आ रहा है। और धमकी जो दे रहा है इस वक्त सौर्य लगातार राजवीर को दे रहा है, राजवीर से बोल रहा है कि मैं तेरे जैसे इनको जानता हूँ और मैं तेरा क्या करूँगा, तू सोच भी नहीं सकता। आप लोग जानते ही हैं कि राजवीर को तंग करने के लिए इस समय कुछ भी कर सकता है सौर्य, और सौर्य अपने पैसे की गर्मी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तक किसी को भी ये नहीं पता कि आखिरकार राजवीर है कौन। राजवीर भी उसी घर का बच्चा है और इतनी ही संपत्ति राजवीर के पास भी है अगर उस घर में एंट्री ले लेता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक प्रीता के पास है राजवीर और राजवीर ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों जल्दी ही सृष्टि बोलने वाली है इस चीज़ को, क्योंकि सृष्टि वहाँ पर आकर बोलती हुई नजर आने वाली है कि अगर मेरे बेटे को किसी भी तरीका से कोई भी किसी भी तरीका का नुकसान होता है तो मैं भूल जाऊंगी और मैं तुम्हें रोड पर भी ला सकती हूँ। क्योंकि दोस्तों सृष्टि और प्रीता वो शख्सियत हैं कि जिनकी बदौलत, वाकई में दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जिनकी बदौलत बहुत बड़ी चीज़ रची थी। जी हाँ, क्योंकि लूथरा परिवार अगर आज सक्षम है हर चीज़ में तो किसी और की बदौलत नहीं, बल्कि लूथरा परिवार सक्षम इन लोगों की वजह से ही है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में आप लोगों के लिए एक और नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से अगर बात की जाए इस वक्त की, तो राजवीर को ये भी पता है कि मैं हारने वाला नहीं हूँ इन लोगों से, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।